तीन भुवन में वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै जय जिनेन्द्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। मुनिराज की शुद्धोपयोग दशा का वर्णन चल रहा है, उसी चर्चा को मंगलाचरण करते हुए आगे बढ़ाएंगे। नमो यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव साउणम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमोत्रियोग समारिके। जब लोग तीन कम नौ कोड़ी मुनिराज की जय हो। मुनिराज के शुद्धोपयोग दशा का वर्णन कर रहे हैं। दौलत राम जी के अगले दोहे के माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं दौलत राम जी अगले दोहे में। परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे दृग ज्ञान सुख बल मय सदा नहीं आन भाव जुमो विखे में साध्य साधक में अबाधक कर्म अरुत सुफल निते चिदपिंड चंड अखंड सुगुण करंड चुत पुनि कलिनते। भावार्थ, आत्म ध्यान की इस अवस्था में प्रमाण नए और निक्षेप का प्रकाश अनुभवों में नहीं आता। उस समय आत्मा में यही विचार आता है कि मैं दर्शन ज्ञान सुख और वीर रूप हूं, इसके सिवाय मुझ में कोई दूसरा भाव नहीं है। मैं ही साध्य हूं, मैं ही साधक हूं। कोई कर्म या उसका फल मेरे कार्य में किसी प्रकार बाधा नहीं दे सकता। मैं चैतन्य पिंड हूँ, तेजस्वी अखंड उत्तम गुणों का पिटारा हूँ तथा सब पापों से पृथक हूँ। परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, अर्थात जहां प्रमाण नए और निक्षेप का उद्योत अर्थात प्रकाश अनुभव में नहीं दिखाई देता, अर्थात जहां प्रमाण नए निक्षेप का अस्त हो जाता है, नए रूपी लक्ष्मी प्रमाण रूपी लक्ष्मी न जाने कहां अस्त हो जाती है, निक्षेप जहां विलय को प्राप्त हो जाते हैं, उस दशा का नाम है आत्म अनुभव रूप दशा। प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत अर्थात प्रमाण नए निक्षेप का जहां प्रकाश नहीं है, जहां उद्योत नहीं है, अनुभव में दिखे, प्रमाण नए निक्षेप के प्रकाश का जहां अनुभव में कुछ दिखाई नहीं देता, अर्थात प्रमाण अनुभव में दिखाई नहीं देता, निक्षेप और नए इनके जो विकल्प है वहां जहां विलय को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी दशा का नाम आत्म अनुभव दशा है। क्या है ये प्रमाण, क्या है निक्षेप और क्या है नए? तो सबसे पहले हम प्रमाण और नए को समझेंगे। किसे कहते हैं प्रमाण? तो प्रमाण वस्तु के सर्वदेश को बतलाने वाले ज्ञान का नाम है। प्रमाण का दूसरा नाम है सम्यक ज्ञान, जो वस्तु के सर्वांग का कथन करता है, वस्तु के सर्वदेश को कहता है, उसे हम कहते हैं प्रमाण, और जो वस्तु के एक देश को बतलाता है उसे कहते हैं नए। जैसे वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है,
तो नित्यानित्यात्मक वस्तु है यह जो वचन है, यह प्रमाण का वचन है। और द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य है, यह जो कथन है यह नय का नय कथन है। जब हम किसी नय की अपेक्षा से कथन करते हैं, अर्थात वस्तु के एक देश का कथन करते हैं, तो वह नय कहलाता है। और जब हम वस्तु के सर्वदेश का कथन करते हैं, तो उसे हम प्रमाण कहते हैं। वस्तु को समझने के लिए प्रमाण की भी आवश्यकता है, और वस्तु को समझने के लिए नय की भी आवश्यकता है। किसी वस्तु के एक धर्म को हमें समझना है, अच्छे से समझना है, तो हम अन्य धर्मों को गौण करके उस एक धर्म का विस्तार से कथन करते हैं। और जब हम एक धर्म का विस्तार से कथन करते हैं, तो हमें नय की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि वस्तु के एक धर्म को नय अच्छे से बताता है, और नय वस्तु के एक धर्म का जब कथन करता है, तब वह अन्य धर्मों की चर्चा नहीं करता। यदि जिस धर्म का कथन किया जाएगा, उसी धर्म के कथन करते समय यदि अन्य धर्मों का भी कथन किया जाएगा, तो वह धर्म अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसी कारण से नए अन्य धर्मों को गौण करता है, और किसी एक धर्म को मुख्य करके कथन करता है। वह अन्य धर्मों का अभाव नहीं मानता, वह अन्य धर्मों को गौण करता है। जैसे द्रव्यार्थिक नए से वस्तु नित्य है, तो यहां हमने द्रव्यार्थिक अपेक्षा से कहा है कि वस्तु द्रव्यार्थिक अपेक्षा से नित्य है। इसका मतलब ही यह है कि वह अन्य अपेक्षा से अनित्य भी हो सकती है। द्रव्य अपेक्षा से वस्तु नित्य है, अर्थात किसी एक अपेक्षा से देखा जाए तो वस्तु नित्य है, लेकिन अन्य अपेक्षा से उसी वस्तु में अनित्य धर्म भी है। यदि हमें किसी भी वस्तु का कथन करना होगा, तो या तो हम उसको नय लगाकर बता दें कि यह वस्तु द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य, और यदि हम नय नहीं लगाना चाहे, तो हम यह भी कह सकते हैं कि वस्तु कथनचित नित्य है। कथनचित का अर्थ ही होता है कि वस्तु किसी अपेक्षा से नित्य है, अर्थात वह सर्वथा नित्य नहीं है। द्रव्यार्थिक नय से नित्य है, अर्थात वह सर्वथा नित्य नहीं है। तो या तो हम कथनचित लगा दें, या नय का उपयोग करें, अथवा स्यात्कार शब्द का उपयोग करें कि वस्तु स्यात् नित्य है। स्यात् नित्य अर्थात स्यात् अनित्य है। किसी अपेक्षा से नित्य है, तो किसी अपेक्षा से अनित्य है। तो यह जो एक अपेक्षा लगाकर कथन किया जाता है, वस्तु के एक धर्म को बताया जाता है और अन्य धर्मों को गौण किया जाता है, इसका नाम है नय कथन। यह जो शैली है, यह नय शैली है, वस्तु के एक धर्म को बतलाने वाली। इसकी आवश्यकता क्यों हमें पड़ती है? क्योंकि हमें जब वस्तु के एक धर्म को समझाना होता है, तो हम वस्तु के एक धर्म को समझाने के लिए अन्य समस्त धर्मों को गौण कर देते हैं। यदि अन्य धर्मों को गौण ना करें, तो वस्तु के एक धर्म का भी कथन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जब हम दही को मथते हैं और उसमें से मक्खन निकालते हैं, तो मक्खन निकालने के लिए हम एक लकड़ी लगाकर उसके आसपास रस्सी लगाते हैं, और रस्सी लगा के उस लकड़ी को गोल गोल घुमाते हैं। तो जिस प्रकार दही को मथने के लिए हम मथनी का उपयोग करते हैं, रस्सी का उपयोग करते हैं, और उस रस्सी को घुमाते हैं, तो कैसे घुमाते हैं? एक को ढीला छोड़ते हैं और दूसरे को कसते हैं। तो एक को ढीला छोड़ना आवश्यक है, यदि एक को ढीला नहीं छोड़ेंगे तो दूसरे को कस नहीं सकते। एक को हमने ढीला छोड़ा है, लेकिन एक को छोड़ नहीं दिया है। ढीला छोड़ने में और छोड़ने में बहुत बड़ा अंतर है। तो उसी प्रकार वस्तु के अंदर अन्य धर्मों को गौण किया गया है, लेकिन अन्य धर्मों का अभाव नहीं माना गया है। तो वस्तु के अन्य धर्मों को गौण करके किसी एक धर्म को जो मुख्य किया जाता है, उसका नाम है नय शैली। जैसे मथनी के अंदर एक को कसते हैं और दूसरे को ढीला करते हैं, और जब दूसरी को कसते हैं तो पहली को ढीला करते हैं, पहली को कसते हैं तो दूसरी को ढीला करते हैं। इस प्रकार एक धर्म को मुख्य करना, अन्य धर्म को गौण करना, यह है नए विभाग की शैली। और क्या है प्रमाण की शैली, इसको हम एक अल्पविराम के बाद समझेंगे। जय जिनेन्द्र छेड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। हमने प्रमाण और नय की चर्चा प्रारंभ की थी, और नय के बारे में कहा था कि वस्तु के एक देश को कहने वाला नय है, और प्रमाण वस्तु के सर्व देश को, सर्वांग को कहता है।
पुरुषार्थ सिद्धि पाए के अंदर एक उदाहरण आया है कि कोई एक हाथी किसी गांव में पहुंचा और उस हाथी को देखने के लिए अनेक अंधे लोग गए। वे सब उस हाथी को देखने के लिए हाथी के पास गए और सब जने हाथी के नाना नाना अंगों के ऊपर बैठ गए, उसको स्पर्श करने लगे। जिस अंधे ने हाथी की पूंछ को स्पर्श किया उसने कहा कि हाथी रस्सी के समान है। जिस व्यक्ति ने हाथी की पीठ को स्पर्श किया उसने कहा हाथी एक कड़क वस्तु के समान है। जिसने हाथी के कान को स्पर्श किया उसने कहा हाथी सूपड़े के समान है। जिसने हाथी की सूंड को स्पर्श किया उसने कहा हाथी एक गोल गोल वस्तु के समान है। और ये सब मिलकर हाथी के संबंध में वाद विवाद करने लगे। कोई कहने लगा हाथी रस्सी के समान है, कोई कहने लगा हाथी सूपड़े के समान है। अब यद्यपि जो जो भी ये कह रहे हैं कि हाथी रस्सी के समान है, सूपड़े के समान है, उनका कहना सत्य है, असत्य नहीं है। लेकिन दिक्कत तो ये आ रही है कि वे हाथी के केवल एक ही स्वरूप को मानकर और अन्य की बात का मना कर रहे हैं। जो आदमी हाथी के पैर को स्पर्श कर रहा है वो कह रहा है कि हाथी तो वास्तव में खंभे के समान है, और जो आदमी हाथी की पूंछ को स्पर्श कर रहा है वो कह रहा है हाथी रस्सी के समान है। वो परस्पर में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो हाथी की पूंछ को कह रहा है वो कह रहा है कि केवल हाथी रस्सी जैसा ही है, और जो हाथी के पांव को स्पर्श कर रहा है वो कह रहा है हाथी खंभे जैसा ही है। तो ये जो ही का उपयोग करके वो कह रहे हैं कि हमने जैसा वस्तु का स्वरूप जाना है वैसा ही है, इसी का नाम है एकांत। और जैन दर्शन इस एकांत का निषेध करता है। तो वहां पर एक आंख से देखने वाला व्यक्ति आया और उसने उन सब अंधों की बातों का कहा कि भैया तुम जो अपनी अपनी बात कह रहे हो वो सत्य है, लेकिन अन्य भी जो बात कह रहे हैं वो असत्य नहीं है। हाथी पांव की अपेक्षा खंभे के समान है, पूंछ की अपेक्षा रस्सी के समान है, कान की अपेक्षा सुपड़े के समान है। हाथी के नाना नाना अव्यय है ये, और ये हाथी इन सब रूप है। उसी प्रकार प्रमाण दृष्टि वाला कहता है कि वस्तु एक नए की अपेक्षा नित्य है, एक नए की अपेक्षा नित्य है, लेकिन वस्तु नित्या नित्यात्मक है। वस्तु में सारे धर्म एक साथ मौजूद है, यद्यपि हमें इन धर्मों के देखने में विरोध भासित होता है। हमें लगता है जो वस्तु नित्य व अनित्य कैसे हो सकती है, लेकिन वस्तु में नित्य और अनित्य धर्मों को एक साथ रखने में कोई बाधा नहीं है। वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। कोई बहुत बड़ी धर्म की सभा होती है, उस धर्म की सभा को यदि हमें चित्रण करना हो, चित्रांकित करना हो, यदि उस धर्म की सभा का यदि हमें प्रसारण करना हो तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले कैमरा उस जो बहुत बड़ी सभा है, सबसे पहले कैमरा उस बहुत बड़ी सभा को दिखाता है। लेकिन उस बहुत बड़ी सभा को एक साथ कैमरे से दिखाने से सभा का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हो सकता है किसी भी सभा को दिखा दिया जाए। कोई बहुत बड़ी सभा कहीं बैठी हो किसी अन्य जगह भी, और उस अन्य जगह की सभा को दिखा दिया गया हो, तो फिर कैमरा जो वक्ता होता है उस वक्ता के ऊपर केंद्रित होता है और वक्ता के हाव भाव को दिखाता है। बाद में वक्ता के हाव भाव को दिखाने के बाद में किसी एक श्रोता के ऊपर दिखाता है कि ये श्रोता भी ध्यान से सुन रहा है, ये श्रोता सो नहीं रहा है। और फिर एक श्रोता के बाद में दूसरे श्रोता के ऊपर केंद्रित करता है, तीसरे श्रोता के ऊपर केंद्रित करता है, और ये दिखाता है कि सारे श्रोता कितने मनोयोग से सुन रहे हैं। और फिर वह पुनः वक्ता को दिखाता है कि यहां वक्ता वही है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो वक्ता को और श्रोता को दिखाते हुए पुनः अंत में सारी सभाओं को प्रदर्शित कर देता है। उसी प्रकार नए किसी एक धर्म को मुख्य करते हैं, समझ लीजिए मैं वक्ता को मुख्य कर रहे हैं अर्थात किसी एक धर्म को मुख्य कर रहे हैं, फिर श्रोता को मुख्य किया अर्थात फिर एक धर्म को मुख्य करके उस धर्म का कथन किया, और बाद में प्रमाण ने पूरी सभा का सांगोपांग दर्शन करा दिया अर्थात प्रमाण ने वस्तु के सभी धर्मों का एक साथ निरूपण कर दिया। तो प्रमाण वस्तु के सर्वदेश को कहता है और नए वस्तु के एक देश का कथन करता है। इस प्रकार से हमने प्रमाण और नए समझा। इसके बाद में होता है निक्षेप। निक्षेप लोक व्यवहार चलाने के लिए होता है। लोक में यदि हमें व्यवहार चलाना हो तो निक्षेप का उपयोग करना होता है। निक्षेप ये बताता है कि यहां वस्तु कौन सी है, अर्थात यह हमने यदि किसी का नाम कहा अमीर चंद, तो यह व्यक्ति जिसका नाम अमीर चंद कहा है, यह केवल नाम से अमीर चंद है कि वास्तव में अमीर चंद है। तो इस प्रकार का जो लोक व्यवहार होता है, लोक व्यवहार में हमें देखना होता है कि यहां कौन से निक्षेप की मुख्यता है।
किसी महिला का नाम लक्ष्मीबाई है लेकिन क्या वास्तव में वह धन से संपन्न है? किसी का नाम सरस्वती है, क्या वो वास्तव में विद्या से संपन्न है कि मात्र नाम से संपन्न है? तो इन बातों को देखने के लिए हम निक्षेप का उपयोग करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये केवल नाम से कही गई है तो उसे हम कहेंगे नाम निक्षेप, अर्थात व्यक्ति का मात्र नाम लक्ष्मीबाई है, उसमें लक्ष्मी नाम की कोई चीज नहीं है, सरस्वती उसका नाम है, सरस्वती नाम के गुण नहीं है। तो नाम से किसी का कोई भी नाम रख दिया जाए गुणों की अपेक्षा किए बिना, उसका नाम है नाम निक्षेप। जैसे नाम से हमने किसी को कह दिया है महावीर है, तो वो महावीर नाम से है, वास्तव में महावीर जैसे अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर उसमें गुण नहीं है, तो यह है नाम निक्षेप। अगले निक्षेप का नाम है स्थापना निक्षेप, अर्थात किसी स्थापना में किसी के किसी तदाकाल में अथवा अतदाकाल में स्थापना करना, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा में इस बात की स्थापना करना कि ये साक्षात महावीर है, यह है तदाकाल स्थापना। अतदाकाल स्थापना होती है जैसे शतरंज की गोटे होती है, तो शतरंज की गोटों में ये हाथी है, ये वजीर है, इस प्रकार की स्थापना करना अतदाकाल स्थापना कही जाती है। तीसरा होता है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप अर्थात आगामी काल में जो कोई पुरुष राजा बनने वाला हो तो उसको भी वर्तमान में ही राजा कहना, ये द्रव्य निक्षेप से कहा जाता है। राजकुमार को राजा कहना द्रव्य निक्षेप से, और जो वर्तमान में भी राजा है उसको राजा कहना ये भाव निक्षेप से। तो ये चार प्रकार के निक्षेप जिनवाणी में लोक व्यवहार के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इससे हम वस्तु स्वरूप को समझते हैं। लेकिन शुद्धोपयोग दशा में वस्तु का अनुभव है, वस्तु को संपूर्ण रूप से समझ चुके हैं, इसलिए वहां निक्षेप का कोई प्रकाश नहीं है, नए का कोई प्रकाश नहीं है, प्रमाण का कोई उद्योत नहीं है। अर्थात प्रमाण नए निक्षेप के विकल्प जहां नष्ट हो चुके हैं, जहां न प्रमाण का विकल्प है न नए का न निक्षेप का। प्रमाण नए निक्षेप की सारी जो लक्ष्मी है, प्रमाण नए निक्षेप का जो विलास है, वो सब अस्त को प्राप्त हो चुका है। इसलिए कहा है प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, अर्थात आत्मा के अनुभव में प्रमाण नए निक्षेप का प्रकाश नहीं दिखाई देता। दृढ़ ज्ञान सुख बलमय सदा, अर्थात आत्मा दर्शन ज्ञान सुख और अनंत वीरमय दिखाई देती है। आत्म अनुभव के काल में आत्मा अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख और अनंत वीरमय दिखाई देती है। जैसा भगवान जिनेन्द्र का स्वरूप है वैसा का वैसा अपना आत्मा का स्वरूप प्रकाशित होता है, वैसा का वैसा अपना आत्मा दिखाई देता है। नहीं आन भाव जो मोविखे, नहीं आन, आन अर्थात अन्य, भाव अर्थात भाव, नहीं अन्य भाव मोविखे, अर्थात मुझ आत्मा में अन्य भाव नहीं दिखाई देते। अन्य भाव अर्थात मोह राग द्वेष के भाव, विभाव भाव। शुद्धोपयोग दशा में आत्मा में मोह राग द्वेष की कालिमा नहीं दिखाई देती, आत्मा में दर्शन ज्ञान सुख वीर का प्रकाश दिखाई देता है। आत्मा अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर में ही दिखाई देता है, वहां मोह राग द्वेष की कालिमा नहीं दिखाई देती। और आगे कहा है मैं साध्य साधक मैं अबाधक, कर्म अरु तसु फलनिते, चिद पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चित पुनि कलिनते। क्या है इन पंक्तियों का अर्थ, इसको हम एक अल्पविराम के बाद समझेंगे। जय जिनेन्द्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। मैं साध्य साधक अर्थात मैं ही जहाँ साध्य हूँ और मैं ही जहाँ साधक हूँ। साध्य अर्थात साधने योग्य और साधक अर्थात साधने वाला। तो मैं आत्मा मैं ही साधने वाला हूँ और आत्मा ही साधने योग्य है। कोई अन्य परद्रव्य, यहाँ तक कि अन्य कोई भी द्रव्य, कोई किसी भी प्रकार का कोई अन्य द्रव्य आत्मा को छोड़कर वह साधने योग्य जहाँ नहीं है। मैं आत्मा ही साधने योग्य हूँ और मैं आत्मा ही साधक हूँ। मैं साध्य साधक मैं अबाधक अर्थात मैं विकल्प रहित हूँ। और कर्म अरु तसु फलनिते, कर्म और उसके फल से मैं बिल्कुल जुदा हूँ। अर्थात जहाँ आत्मा अपने को कर्मों से भिन्न देखता है और कर्मों के जो फल है मोह राग द्वेष भाव, उनसे भी जब जुदा अनुभव करता है
तब वह शुद्धोपयोग दशा प्रकट होती है। तीन बातें यहाँ कही है, मैं ही साध्य हूँ, मैं ही साधक हूँ, दूसरी बात मैं विकल्प रहित हूँ, तीसरी बात मैं कर्म और कर्म के फल से भी जुदा हूँ, अर्थात मुझ आत्मा में न कर्म है न मेरी आत्मा में कोई कर्मों के फल है, मैं तो अपने ज्ञान दर्शन सुख और वीर को ही भोग रहा हूँ, मैं अपने स्वभाव को भोगता हूँ, मैं कर्मों को नहीं भोगता, कर्मों के फल को नहीं भोगता, कर्मों का फल है विभाव, कर्मों का फल है परद्रव्य में, मैं अपने आत्मा के स्वाभाविक भाव को भोगता हूँ, चिद पिंड अर्थात चैतन्य का मैं पिंड हूँ, चिद पिंड चंड चंड अर्थात अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, अखंड और कैसा हूँ मैं, अखंड हूँ, अभेद हूँ, सुगुण करंड अर्थात अनंत गुणों का पिटारा हूँ, च्युत पुनि कलिनते और कलिन अर्थात काली माँ से च्युत अर्थात रहित हूँ, मैं मोहराग द्वेष भाव की काली माँ से जुदा हूँ, मोहराग द्वेष भाव मुझसे भिन्न है, और यहाँ तक कि द्रव्य कर्म जो ज्ञानावरण आदि आठ कर्म है वे भी मुझसे भिन्न है, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म इन तीनों कर्मों से मैं भिन्न हूँ, च्युत पुनि कलिनते कलिनता अर्थात मलिनता, तो मलिनता तीन प्रकार की है, द्रव्य कर्म की मलिनता, भाव कर्म की मलिनता और नो कर्म की मलिनता, द्रव्य कर्म अर्थात ज्ञानावरण आदि आठ कर्म और भाव कर्म अर्थात मोह राग द्वेष आदि भाव और नो कर्म अर्थात शरीर, तो ये जो तीन प्रकार के कर्म हैं ये है कलिन अर्थात कालिमा और मैं आत्मा इन तीनों प्रकार की कालिमा से रहित हूँ, च्युत पुनि कलिनते अर्थात मैं इन कालिमाओं से भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, और कैसा हूँ मैं, चिद पिंड चैतन्य आदि अनंत गुणों का पिंड हूँ, ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि अनंत गुणों का पिंड हूँ, चित पिंड सुगुण करंड अनंत गुणों का पिटारा हूँ, रत्न करण श्रावकाचार नाम का एक ग्रंथ है, वहाँ रत्न और करंड, करण माने पिटारा, तो यहाँ भी कहा है कि आत्मा अनंत गुण रूपी रत्नों का पिटारा है, चिद पिंड चंड चंड अर्थात अनंत शक्तिशाली हूँ, आत्मा में अनंत ज्ञान को अनंत दर्शन को धारण करने की अद्भुत सामर्थ्य है, ज्ञान को और दर्शन को और वीर सुख आदि अनंत गुणों को धारण करे ऐसी आत्मा अद्भुत कोई बलशाली पदार्थ है, तो इस प्रकार से जब आत्मा अपने को अनंत महिमावंत देखता है, अपने को ज्ञान दर्शन अपने को अनंत वीर से संपन्न देखता है तब वहाँ शुद्धोपयोग दशा प्रकट होती है, वास्तव में यह आत्मा इसकी जितनी हम महिमा करें हम इसको जितना बड़ा माने यह आत्मा उससे भी कई अधिक महिमावंत पदार्थ है, इस संसार में इस जीव को परद्रव्य की महिमा तो खूब आई है लेकिन अपने निज आत्मा की महिमा एक बार भी नहीं आई, तो यहाँ पर उस आत्मा की महिमा का बखान किया जा रहा है कि यह आत्मा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख और अनंत वीर से संपन्न है, और ये तो हमने कुछ गुण के नाम गिनाए हैं, वास्तव में तो आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है, उसमें किसी प्रकार का गुणों का भेदभाव नहीं है, अनंत गुणों का पिंड कहने इसमें भी ऐसा लगता है जैसे कोई भेद है लेकिन आत्मा तो अनंत गुणों को मानो पी कर बैठा है, ऐसा एक अभेद स्वरूप है, तो इस प्रकार से यहाँ पर समस्त भेदभावों को गौण करके और आत्मा की अनंत शक्तियों को अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर को अनुभव में लाकर और यहाँ पर मुनिराज अनेक प्रकार के कर्मों का क्षय करते हैं, एक बार हम पुनः इस पूरे दोहे का सार कहें तो कहेंगे जहाँ प्रमाण नए निक्षेप का जहाँ पर उद्योत नहीं है प्रकाश नहीं है और जहाँ आत्मा दर्शन ज्ञान सुख वीर में दिखाई दे रहा है, जहाँ अन्य किसी प्रकार का विभाव भाव नहीं दिखाई दे रहा है अर्थात आत्मा में मोह राग द्वेष भाव का रंच मात्र भी नहीं दिखाई देता और जहां आत्मा चैतन्य आदि अनंत गुणों का पिंड अखंड एक अभेद स्वरूप दिखाई देता है, द्रव्य कर्म भाव कर्म और मोह कर्म इन तीनों प्रकार की काली माँ से भिन्न दिखाई देता है,
ऐसी जहाँ दशा प्रकट होती है उस दशा का नाम है शुद्धोपयोग दशा। और इस शुद्धोपयोग के द्वारा मुनिराज अनंत काल के जो कर्म हैं, अथवा यूँ कहें कि जो कोड़ा कोड़ी सागरों के भी जो कर्म सत्ता में बैठे हैं, उनका क्षय करने में समर्थ होते हैं और कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान दशा को प्रकट करते हैं। किस प्रकार से मुनिराज कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान दशा को प्राप्त करते हैं, इसको हम विस्तार से कल जिनवाणी की चैनल के अंतर्गत छड़ाला की पाठशाला में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। पाठशाला सार, आत्मानुभव में प्रमाण, नए और निक्षेप के विकल्प नहीं रहते हैं। मैं एक अखंड दर्शन ज्ञानमयी अनंत गुणों का पिंड स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसी अनुभूति के बल से जीव सदा के लिए कर्मों से मुक्त हो जाता है। हमें भी ऐसी अनुभूति प्राप्त हो, इसलिए मुनि बनने की भावना मन में सदा रखना चाहिए।